नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे। तो आज हमारा नया व्लॉग चालू होने वाला है। तो आज के इस व्लॉग में है स्पेशल क्या, ये आप देखिए पूरा व्लॉग। अभी तक लाइक सब्सक्राइब और कमेंट नहीं किए तो करते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोगों के प्यार की वजह से हम लोग नए नए व्लॉग बनाते रहते हैं। तो अब देखते हैं, अभी बज गए हैं 11:30 और अभी सब उठ चुके हैं और देखते हैं अंजलि और सोनाली का क्या कर रहे हैं। ये सोनाली का लगी हुई है फ़ोन में और अपना मुंह छुपा रही है और उसकी मम्मी आ गई है। आज बनने वाले हैं ब्रेड पकोड़े। तो ये आ गई हैं ब्रेड, देखिए छोटी ब्रेड, बड़ी ब्रेड लाते हैं। और ये अंजलि जी राजा खुले भी आ गई है। गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय। किसकी वीडियो देख रहे हैं सुबह सुबह? किसकी वीडियो देख रहे हैं? उठे हैं अभी, ब्रश भी नहीं किया, बस सुबह सुबह को मोबाइल फोन और हो गई है वीडियो चालू। अब ये पता नहीं किसकी वीडियो चल रही है, बट ठीक है। ज़्यादातर ऐसे तो सौरभ जोशी फ्लाइंग विज। और हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। और आज बन रहे हैं स्पेशल हमारे ब्रेड पकोड़े। आप लोग भी सोचते होंगे क्या हमारा पिछले जन्म का नाता है पकोड़ों के साथ, कभी प्याज के, कभी आलू के, कभी ब्रेड पकोड़े। तो आज हमारे ब्रेड पकोड़े बन रहे हैं। ब्रेड कट चुकी है और बेसन घुल चुका है और थोड़े से पकोड़े मम्मी ने बना लिए पहले ही। कोई बात नहीं, हम अब आपको आगे का दिखा देते हैं। और पकोड़े के अंदर हम एक और स्पेशल चीज करने वाले हैं जो आज तक आपने किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं देखी होगी शायद, क्योंकि हमने तो नहीं देखी। तो हम आज ट्राई मार रहे हैं, तो देखते हैं कैसा होता है, सक्सेसफुल होता है कि नहीं, और आपको बाद में दिखाते हैं। देखिए ये दो ब्रेड जा चुकी हैं अंदर और बाकी ब्रेड ये पड़ी, ये रहा घोल, ये रही सॉस की बॉटल। तो यहाँ पे हमने मैगी डाल दी है और मैगी बन रही है। तो हम ब्रेड पकौड़ा जो बन जाएगा उसको हाफ कट कर देंगे और उसके अंदर मैगी की स्टफिंग कर देंगे और उसको खाएंगे। पता नहीं कैसा लगेगा, कुछ सोचा नहीं हुआ, पर अच्छा ही लगेगा मेरे हिसाब से। तो जब तक ब्रेड पकौड़े बन रहे हैं तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो और कमेंट कर दो। और अगर हमारा कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा हमें तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप भी बनाओ और खाओ ऐसे। तो ये हमारी प्लेट तैयार हो चुकी है और यहाँ पे मम्मी दो दो को अभी इकट्ठा बनाने का ट्राई कर रही है, चिपकाने का, ताकि उसमें मैगी की स्टफिंग हो पाए एक सैंडविच की तरह। देखते हैं सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता, हो ही जाएगा वैसे तो, पकना तो सारा है ही। बेसन डाल दो, डाल दो। ओ तेरी, ये क्या बन गया? अभी और डालने की कोशिश हो रही है, बिल्कुल खुल जा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम ऐसे ही ट्राई कर लेंगे। ये प्लेट अभी लेके चलते हैं। हमारी मैगी बनके तैयार है। हमने ज़्यादा सूप ही नहीं बनाई क्योंकि हमने इंसर्ट ही करनी है पकौड़ों के अंदर। ये देखो अभी फाउंटेन की तरह निकलेगी। ओए होए, मुंह में पानी आ गया। कमेंट बॉक्स में बताओ किस किस के मुंह में पानी आता है मैगी देख के, और किस किस की फेवरेट है मैगी। तो अब हम ये ले जाते हैं प्लेट। ये देखिए ये काटने की कोशिश कर रही है। हाथ मत काट लियो। एक्सपीरियंस टू मैं। अच्छा ठीक है। बेस्टी। क्योंकि वो अंदर नहीं घुस रही थी तो अंजलि ने इसको ऊपर ही रख लिया। अब अंजलि इसको खाएगी। सॉस, हरी चटनी मैगी के साथ, बताइए अंजलि जी। मुंह में पानी आ गया। अच्छा लग रहा है सही में, ये ले पकड़। तो अभी पापा बना रहे हैं। पापा क्या बना रहे हो? मतलब ये कुछ तिगड़ा बना रहे हैं। ये ग्लास में इन्होंने नमक मिर्च वगैरह ले लिया है। यहाँ पैन रखा है, सॉस रखी है, ब्रेड रखी है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। प्याज काट रहे हैं अभी तो, भीड़ लग गई पीछे लेकिन। पानी नहीं पीऊंगा। यहाँ बटर भी है। इनकी शक्ल दिखा, रो रहे हैं पापा इतना कष्ट। ये बहुत रुलाता है प्याज। मुंह में ब्रेड रख लो फिर नहीं आएंगे आंसू। हाँ लाइफ हैक। चल दिखा क्या कर रहे हैं। तो
ये गाइस मेंडा फेंकना तो पड़ेगा जान अंडे में जहर होता है तो झाग क्यों बनती है चाट लेते हैं तो क्या चाट में सकते बटर तो चाट के दिखा दे ऐ चाट नमकीन टेस्ट होता है ना इसलिए चाट लेते हैं ये बटर वेस्ट ना करते हुए ना करते पानी का काम आप ये देख सकते हैं क्या हो गया हाँ लगा फैला चुके बटर अब इसमें शायद से अंडा डलेगा शायद सुना दूर हो जा आग भी ऊपर आती है बटर की वजह से चल पागल बना रही है मेरा पापा से पूछो तो ये डालते हुए अंडा अलग ही कलर आ रहे हैं कैमरे में अंडा डाल चुके ये अंडा खा रहे हैं कच्चा वो भी इसमें ये ब्रेड फैलाएंगे मैं समझ गई हूँ ये कुछ कैसा करना चाह रहे हैं आप भी समझ ही गए होंगे इन्होंने फेसबुक पे देखा था इसलिए पहली बारी पापा कुकिंग करते हैं अकेले बिन मम्मी के नहीं भाई बहुत बार करी है अंडे की कुकिंग करनी है थोड़ा इसको चिपकने देंगे गैस पे चला रखी है चुप रहा यार एकदम कंसंट्रेट ब्रेड नहीं चुपती गरम गरम लग रहा है दो ब्रेड डालते हैं मैंने बहुत सही डाले ये ऑमलेट बंद कर दिया ब्रेड का ये पूरा बंद हो चुका है बटर में ग्रिल्ड और अंडे में ग्रिल्ड बैट ब्रेड बैट कह रहा हूँ मम्मी तो देख गैस पे रखे रखे ही सारा खाओ देती है आदत हो गई ऐसे उठा उठा के मारती है इधर देख अंजलि उनको देख देख के मेरा भी खाने का मन हो रहा है पिछली बारी ऑमलेट भी गंदा सा बन गया था इस ये जैसे ही गई इतना बढ़िया गोल ऑमलेट बना था तो ये बन गया है इनका प्याज भरा ऑमलेट जिसमें ब्रेड लगा के खाएंगे मजे से हाफ कच्चा हाफ पका बनाया हाफ सक्सेसफुल है हाफ सक्सेसफुल नहीं सक्सेसफुल फुल सक्सेसफुल बनाई हाफ बनाई हमने हाफ और हाफ फ्राई बनाया है ये क्या हो गया ऑमलेट थिड़क गया हमारा जोश अब ये डालेंगे केचप Awesome.
करे तो ऑसम ग्रेट सक्सेस। ओए होए ये तेल का तेल कह रही हूँ अंडा। कच्चा अंडा खा सकते हो आप? ग्रेट सक्सेस। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मल्होत्रा जी, मेरा यूट्यूब चैनल मल्होत्रा जी। दोस्तों फटाफट से इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आपका दोस्त, आपका फ्रेंड्स, आपका अपना। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।